अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिला प्रशासन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खाद वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप बनाने की पहल करने की बात करता है। वहीं प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि कंट्रोल रूम निरंतर कार्य करे, आंकड़े भी सामने रखे जाएं और जिला स्तर पर कलेक्टर किसानों तक सही जानकारी पहुंचाए। यह सब बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद वितरण की समीक्षा के दौरान कही थी, जिसकी प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई। इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों के साथ ये कैसा मजाक, ना तो समय पर खाद बीज मिलती है, ना ही इसके उपज की खरीदी होती है। शासन प्रशासन झूठे वादे कर किसानों को भ्रमित कर रहा है। आंकड़े बताए जा रहे हैं कि पर्याप्त आवंटन हो चुका है। अगर आवंटन पर्याप्त है, शासन प्रशासन के पास खाद की पर्याप्त मात्रा है, तो आखिर किसानों को मिल क्यों नहीं रही है? क्या कालाबाजारी हो रही या सिर्फ किसानों को झुंझुना थमाया जा रहा है? आइए दिखाते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा खाद वितरण की समीक्षा करने के दूसरे दिन ही किस तरह करहिया मंडी में किसानों की दुर्दशा है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से किसानों को झला जा रहा है और अधिकारी झूठी प्रेस विज्ञप्ति बांटकर खाद की उपलब्धता बता रहे हैं। फोन लगाए कि वहाँ वितरण क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे बराबर, नहीं नहीं हो रही, नहीं हो रही सर। कभी यहाँ सर्वर बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, हाल बता रहे हैं आज की हाल। हाँ, पब्लिक का त्रास थी। यहाँ लेडीज दो दो साल के बच्चा लेके, छह महीने लेके बच्चे यहाँ खड़ी रहो, लेडीज बैठे ले जाओ, देखो ना अभी नहीं है ना, मगर 3 बजे रात से आती है। उनकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। मेरा नाम पप्पू साहू। क्या समस्या जा रही है? समस्या यहाँ ये आ रही है कि यहाँ कम से कम नहीं तो डेली प्रभारी साहब 10 बजे बाद आते हैं। अगर विधायक से सिफारिश किया जाता है कि विधायक जी फोन ने यहाँ पब्लिक त्रस्त है खाद के बिना, तो विधायक जी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ से चले जाएंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे, यहाँ ब्लैक करेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब पब्लिक त्रस्त है। और उनको बोलेंगे तो फिर 2 घंटे के दोपहर में लंच कर देंगे, तो यहाँ पब्लिक लाइन लगाई है, उसके बावजूद लाइन यहाँ 3 बजे से लगती है रात में। और यहाँ प्रभारी साहब बोलते हैं कि हम हैं नहीं, अगर विधायक का फोन भी उठा तो बोलते हैं कि हम हैं नहीं। खाद ब्लैक करने की आपने बात कही, कैसे आपको जानकारी हुई कि खाद ब्लैक कर रहे हैं? ब्लैक इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ भाई 5 बजे भी खुलता है गेट, यहाँ अभी शाम के देखिए तो शाम के भी खुलेगा, पब्लिक जब चली जाएगी तो क्यों ब्लैक? अपने आदमी को फोन उठा के फोन दे देते हैं, ऐसे ऐसी बात है। क्या नाम है आपका? सत्यभान सिंह। क्या समस्या जा रही है? खाद ले आम सवेरे से लाइन में खड़े खड़े अभी तक टोकन मतलब पाए हैं, अबे तक खड़े रह गए। अब बतावे से काल है परम आया खाद मिली, काहे के टोकन बांटा तू? क्या कारण है कि कल फिर से बुलाया जा रहा है? अब जरूर कारण हो इनके लगे। आपको भी खाद नहीं मिला, कै बजे से खड़े हैं? कबहू नहीं मिली साहब, टोकन दिखा दे कहीं। सवेरे से 4 बजे तड़का आम है। सुशील तिवारी नाम है, सवेरे 6 बजे से आया हूँ तो मुझे 5 एकड़ जमीन में 2 बोरी खाद दिए हैं दरिया के, अभी 5 बजे। अब बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या आ रही, बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं। क्या कारण? पता नहीं, कहते हैं कि 5 एकड़ में 2 ही बोरी मिलेगी। अब बताइए कि इसमें इस प्रकार भ्रष्टाचार में क्या कर सकता है? रमाशंकर शुक्ला तमरा से आया, कम से कम 25 लोग हैं हम लोग, हैं सुबह से मने बगैर खाए पिए जितने आदमी हैं, तो बगैर खाए पिए यहाँ खाद नहीं मिल रही है। बताइए, वापस चले जा रहे हैं, बोले काल मिली। क्या कारण है कि खाद नहीं मिल पा रही है? बोले हैं कि जो मिले भी तो 15 एकड़ हम ऋण पुस्तिका लिया हूँ, उसमें 5 बोरी दिए हैं। नहीं मिले, बात नहीं की आप? नहीं दे रहे, कहा एक आदमी को 5 बोरी मिलेगी? क्या मानते हैं? वो भी खाद चुक गई, बहुत कालाबाजारी है सर, यहाँ बहुत संतुष्ट नहीं है मुझे। हम लोग कम से कम 25 आदमी आए वहाँ से, तमरा से नहीं मिली सर, 5 बोरी मिली है 15 एकड़ में। हम तो आज यहाँ पिछले साल भी ऐसी समस्या थी, इस बार भी समस्या ऐसी है। अभी 4 काउंटर लगाए, अभी इसके पहले एक ही काउंटर था, यहाँ लाठी भी चलती थी, सब कुछ होता था, मगर यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। अब चुनाव आ गया तो चुनाव के बदौलत 4 काउंटर किया गया है, और प्रभारी साहब के जो जो खास आदमी उनको देते हैं खाद, और वही प्रभारी हर गोदाम का एक ही प्रभारी है, वो बोलते हैं कि वहाँ नहीं देंगे, वहाँ सिमरिया वितरण है, ये वितरण है। अरे तुम प्रभारी हो तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि वहाँ का टोकन? अब बोल रहे हैं कि निरस्त हो जाएगा। क्यों निरस्त हो जाएगा? आपको टोकन उतना देना चाहिए कि जितना हम उसका सप्लाई कर सके, पब्लिक ना हो। आप काल फिर लाइन लगाएगी। मेरा नाम जयदीप त्रिपाठी है और मैं ग्राम पंचायत चुआ से यहाँ खाद लेने आया था, सुबह से लाइन में लगा हूँ, 86 नंबर का टोकन मुझे दिया गया है।
लेकिन अभी तक खाद नहीं मिली है, बोला जा रहा है कि आपको कल मिलेगा। क्या किस तरह की समस्या जा रही है? समस्याएं अंदर बैठ के दरबार कर रहे हैं कर्मचारी, जब टाइम से काम नहीं करेंगे, टोकन बांट के बगल में बैठे हैं, साइड से घुसेड़ के, मतलब उनके जो खास आदमी आते हैं तो उनको मिल रहा है। तो अभी क्या रीजन है कि खाद नहीं दिया जा रहा है? अब अभी बोल रहे हैं सर्वर समस्या आ गई है। कितने बजे से? 4 बजे से करीब सर्वर समस्या आई है, अभी 5 बजे तक वेट किए, 5 बजे मैडम लोग निकल के चली गई। आप कितने बजे से खड़े हैं? मैं तो सुबह 10:30 बजे से खड़ा हूँ। अवध राज सिंह, समस्या यह है खाद वाली ही कि आदमी आ जाते सकाने से बगैर खाए पिए, 4-4 बजे से आदमी आए कि सुबह से लागत लाइन में अयंगा कही थी ट्रैक्टरों लेके कहीं जा ट्रैक्टर लेता आवा तो ट्रैक्टर लेके आए 80 नंबर टोकन मिला, अब कहा थी सर्वर नहीं आए, अब वह माही बीच माही बताया ना कि जाकर बीच माही जाकर जैसा हुआ रहा तो बीच माही 80-85 नंबर दे देते, सबों नंबर दे देते, मनमाना हुआ है जेकर जहाँ जैसा रहा तो वह दे देते, आप पब्लिक यहाँ किसान बागत रहे जुगाड़ वाले अपन लेके चले गए लई दई के, और ट्रैक्टरों ले आने ट्रैक्टरों के डीजल के पैसा दिन भर भूखन मर रहना अलग सी सोच ली, दू आदमी है तो धीरेन्द्र सिंह का साथ महीने। आप लोग कितने लोग थे आपके साथ? हम तो अब हम लोग तो 2 आदमी है, बाकी तो सभी किसान हैं, तो वो लोग भी अपने टोकन लिए हैं बस भाग रहे हैं ऐसे। खाद नहीं मिला लौट जाएंगे घर? हाँ घर जाओ, होगा कल बटेगी तो बटेगी, नहीं फिर से वही टोकन के नंबर लग जाओ सुबह से, फिर जिस दिन आएंगे तो सुबह से टोकन में लग जाएंगे, फिर वही यही हाल होगा। अपने परिचितों को पहले उपलब्ध कराई जाए? नहीं परिचितों को हम नहीं कहते, जैसे बीच में कोई टोकन बीच में घुसेर दिया अब दे दिए होगा उसी, अब हम लोगों का दबा रहे गया। ये लापरवाही वहाँ जो अंदर बैठते हैं उनकी लापरवाही है, कर्मचारी की रहा। हाँ भाई भ्रष्टाचार है, ये है जो मान लो हम कही थे कि हम ज्यादा तो देखा नहीं है तो हम कहे कहीं पर सुबह से हम लोग बैठे हैं बिना खाए पिए, बताई ट्रैक्टर लेन हो 500 खर्चा, अपन वहाँ घर में है तो नहीं पान लेबा करे तो वहाँ में नहीं वो कैसे गा कि साल का दिन कहाँ काम है तो वहाँ नहीं कह सके खैरा से जी। मेरा नाम विवेक द्विवेदी है, मैं सुबह 9 बजे से आया हुआ हूँ पर यहाँ पे अभी खाद नहीं मिल पाई है, सर्वर डाउन हो गया है, कल बोलते तो हैं सर्वर डाउन है। बाकी व्यवस्था किस तरह की है? व्यवस्था एक भी अच्छी नहीं है यहाँ पे। क्या कुछ कमी देखी जा रही है यहाँ पे? जो आता है मनमानी ले जाता है खाद, टोकन बांटे हैं पर उसका कोई वो नहीं है कि लाइन से दे खाद, सर्वर बार बार डाउन हो रहा है, कैसी व्यवस्था सरकार की? कितने समय से आप खड़े हुए हैं? मैं यहाँ सुबह से खड़ा हुआ हूँ, खाद नहीं मिली। कितने लोग? मेरा नाम अजीत तिवारी है और मैं सुबह 10 बजे आया हूँ यहाँ खाद लेने, मेरी पर्ची कट गई थी, यूरिया मुझे यहाँ 267 रुपये छोटे दाने वाली मिलनी थी, लेकिन ये साबुदाना वाली यूरिया दे रहे हैं पूरे किसान भाई को, ज़बरदस्ती यूरिया दे रहे हैं, हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि पैसा वापस करेंगे, बताइए कहाँ तक ये मतलब उनका भरोसा चलेगा? ये इसी प्रशासन की लापरवाही और किसकी लापरवाही है? कितने बजे से आप खड़े हैं? हम सुबह आए हैं 8 बजे, यहीं पुराइनी से आए हैं। अभी जो खाद मिली है तो इससे संतुष्ट नहीं है आप? ये साबुदाना वाली यूरिया दे रहे हैं लोकल यूरिया, और वहाँ उनसे बात किए यहाँ प्रशासन अधिकारी से तो वो बोल रहे हैं कि यही खाद लेना तो लो नहीं तो चले जाओ घर। जी मेरा अजीत तिवारी, करण साहू कपरी। क्या समस्या है? समस्या सर जी ये है कि हम सुबह से 3 टोकन लिए हैं, 6 बजे से लाइन में खड़े हैं और हमको खाद नहीं मिला है। अच्छा, टोकन लेने के बाद भी खाद नहीं मिला? टोकन नंबर हमारा 128 था, खाद बोले सर्वर 4 बजे सर्वर चला गया है, इस बात हमको अभी नहीं दिया गया, प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब क्या करेंगे? अब प्रॉब्लम ये सर कि हम लोग गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, जाएंगे खाली कल फिर से आएंगे, पैसा वो अभी लगेगा। रोजाना का आना जाना कुछ ना कुछ समस्याएं होती? जी जी। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? एक आज सुबह से ही आए सर। रोजाना खाए हो? खाना भी नहीं खाए कुछ। मुनेन्द्र अवस्थी। कब से खाद लेने आए हुए हैं, किस तरह की समस्याएं जा रही हैं? सुबह 9 बजे आए हैं यहाँ, लाइन लगी रहती है, कल से 3-4 काउंटर कर दिए हैं, थोड़ा कम भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती थी। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? हो गया व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, भूखे प्यासे किसान सुबह से आते हैं लाइन में लगे रहते हैं, कुछ पाए हैं खाद कुछ नहीं पाए हैं, वापस जा रहे हैं बेचारे। आप कितने बजे से आए? हम 9 बजे आए हैं सुबह। अभी आपको खाद मिल पाई है? हाँ अभी मिली है।